चलेगी तो पढ़ने वाले नौजवानों को ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत तो हो, कोई माँ बाप मोबाइल नहीं दे पा रहे हैं, टेबलेट नहीं दे पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार आपको पढ़ने के लिए स्मार्टफोन टेबलेट और मोबाइल और लैपटॉप सब मुहैया कराएगी। ये भरोसा सरकार ने दिया। हमारे किसान सम्मान निधि, पेंशन मजदूरों के लिए भत्ता 5,000 रुपए महीने में आ रहा, अब तुम्हारे जैसे दलालों के पास नहीं पहुंचता होगा, हर आदमी पास आ रहा, 4.5 लोगों के पास पहुंच रहा होगा। उत्तर प्रदेश में इसको बुला पुलिस को, अभी इसकी सुना दे 2 मिनट में, जरा पुलिस को बुला दो, पंजरा थाने फोन करो, अभी ये सुन लेगा, 2 मिनट में सुन लेगा। पूरा सरकार खजाना लुटाया जा रही है, ऐसे ही एजेंट सपा बसपा कहा जाते हैं मीटिंगों में, बन के इन्हें कुछ पता ही नहीं है क्या मिल रहा है। मोदी जी योगी जी पूरा खजाना खाली कर देते हैं, एक सपा वाले दारू पिला भेज दिया होगा कि जाओ वहां समझाओ जाकर, अभी हवा हो जाएगा सपा का सपना। मुसलमान है तभी से बात कर रहा है, जहां 100 नंबर बुला के इसको पकड़वाओ, जरा फोन करिए 100 नंबर पे इसको बुलवाइए, भेजिए इसको जेल। ऐसे लोगों का हाल भी सपा की भाजपा की सरकार में है, जितने अपराधी जितने कसाई जितने माफिया है जितने दलाल है वो सब जेलों के अंदर हो गए, कैसे बाकी रह गया बाहर, जितने दलाल थे यहाँ साले सब जेल के अंदर हो चुके, ये कैसे बाहर रह गया, ऐसे लोगों को जेल में जगह है। समाज इनको स्वीकार नहीं करता, दारू पीने वाले लोगों को, और भाजपा की सरकार में इनकी जगह जेलों के अंदर है या फिर ऊपर पहुंच जाएंगे। दोस्तों मैं बता रहा था क्या क्या सरकार आपको करने जा रही है, छोड़ो पागल चक्कर मत, इधर ध्यान दो, अभी पुलिस उसको ले जाएगी पता लग जाएगा। जिन्हें सपना आ रहा है कि दिन में भी एक सपा सरकार आ जाएगी, ऐसे लोग सपा को नहीं आने देंगे जो चोर डकैती माफिया रहा तमाम धमकी वीडियो वायरल हो रहे हैं, ऐसे लोग सपा को नहीं आने देंगे। जनता इनसे उग चुकी है 5 सालों में इनके कारनामों से। दोस्तों सरकार ने खाद्यान्न दिया, सरकार मजदूरों को 1,000 रुपए भत्ता दे रही है, कोरोना में महामारी में लोगों के व्यापार चौपट हुए, लोगों की नौकरियां छूट गई, सब कुछ तो सरकार ने किया, उसके बाद ऐसे लोग सवाल उठाते हैं। और यही लोग वही दारू पी के बेच के पी के कहो आए हो, खाद्यान्न वाला या किसान सम्मान निधि वाला, और यहाँ आकर हल्ला मचाने आए किसी प्रकार पर, ऐसे लोगों